अटैक होता है इसका, बहुत स्पीड से होता है। अब ये अटैक दो तरह का है, ये ब्लू कलर से भी है, रेड कलर से भी है। इसका मतलब है कि एक अगर फॉर एग्जांपल ये इसकी ये समझ लें ये ट्राइगोनल इसकी स्ट्रक्चर है, ये ट्राइगोनल सी, ठीक है, ये वाला प्लेनर है। ये प्लेनर से मुराद ये है कि जैसे आप समझ लें कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर से अटैक हो जाए और एक टेबल के नीचे से कोई चीज़ आप उसको अटैच कर दें, ठीक हो गया जी। तो अब जब हम एक तरफ से अटैक करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और दूसरी तरफ से अटैक करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनेंगे, रेक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मतलब कि रेक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री आर है तो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री आर एंड एस होगी। अगर रेक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री एस है तो रेक्टेंट प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री एस एंड आर आएगी, यानी कि क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी इसके अंदर होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। और ये 50-50% अगर बनते हैं, अगर ये 50-50% बनते हैं देन क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड ए रैसमिक मिक्सचर। हम कहेंगे कि एस एन वन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है रैसमिक मिक्सचर के अंदर, दो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, दोनों 50-50% हो सकते हैं, माइट बी 50-50%, इससे ज्यादा कम भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट करेंगे, वो नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट आता है या और चीजें आ जाती हैं जिस वजह से एक आइसोमर ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड में आपको मैंने शायद पढ़ा भी चुका था शायद, उसमें एक में कम बनता है और एक में ज्यादा बनता है। नहीं जी, नीचे इसका लिखा हुआ है कि सबस्ट्रेट लूज एनी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ड्यूरिंग द कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू रिजॉल्व द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। वो रिजॉल्व द पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज को वो कंपनसेट कर देता है, न्यूक्लियोफाइल अपना लॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज को दे देता है, ठीक है जी सर। आगे जिसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आप देख लें जी। अब स्टेप वन में क्या होगा, क्लेवेज होगा किसका, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का, देन इट इज अ स्लो स्टेप एंड इट इज आल्सो इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप से क्या मराद होता है भाई, कि हम उससे जगह से रेट को डिटरमिन कर सकते हैं कि ये कितना ये ब्रेक हो सकता है। सेकंड स्टेप के अंदर जब हम देखते हैं तो ये जैसे वाटर है, वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ फास्ट स्टेप, दिस इज अ फास्ट स्टेप, ये हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होती है जी, फर्स्ट स्टेप के अंदर अब ये बन गया है वाटर के साथ एक एच ज्यादा है जिसकी वजह से ये वाटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम इसके अंदर बेस को डालेंगे, डी प्रोटोनेशन बाय द बेस यील्ड ऑफ अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि आप बेस इसके अंदर ऐड करेंगे, बेस प्रोटॉन को चेक करके आपका रिक्वायर्ड मालिक्यूल ये बना देंगे, ठीक है, ये रिक्वायर्ड मालिक्यूल बना देंगे। अब यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करनी कि ये दिस इज जर्नल रिएक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री करते तो हम यहाँ अल्कोहल के ये जो मैंने एरो घुमा रहा हूँ यहाँ पे हमने क्या करने थे, दो लगाने थे, दो प्रोडक्ट हमने शो करने थे। अब हमने इसको जर्नल शो कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको आर एस भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है सर। इसमें हमने सॉल्वेंट पोलर यूज करना होता है, ये अभी सॉल्वेंट भाई आगे आएगा, जाके आगे आएगा, अभी तो सॉल्वेंट का इफेक्ट हमने आगे करना भी, तो हम जस्ट इसका मैकेनिज्म हमने ये देखे ना, हमने पहली कौन सी चीज डिस्कस की है, ये रिएक्शन एंड मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, अब इसकी किनेटिक डिस्कस करेंगे कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री, अभी तो हम इसका जर्नल पहला स्टेप इसका हमने, ठीक है सर, करेंगे। लो जी, अब इसकी किनेटिक उन्होंने कहा जी आप जरा बता दें, ट्रांजिशन स्टेट आप जरा देख सकते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बने हुए हैं, रिएक्शन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर काइनेटिक्स है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये देता है। इसके अंदर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन से क्या मुराद हुआ कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर लिविंग ग्रुप लीव करता है, दिस इज ए वो ही एज ए सबस्ट्रेट आपका जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को शो करेगा, ठीक है, बाकी जो है ना उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और वो सबसे जिससे लिविंग ग्रुप ने लीव करके कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट बनाने, इसका मतलब अगर कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जितना कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट कम बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इसका मतलब हुआ कि वो एक ही सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है, इसी वजह से हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ हम इसको
बोल देते हैं। अब इसकी काइनेटिक्स का ये आगे ट्रांजिशन स्टेट उन्होंने इसको शो की हुई है, ठीक है जी। ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट का स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल से हम ऊपर जाते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, देन ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या है भाई, ये तो स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, यहाँ पे कार्बन का टाइम सेट हुए, फिर यहाँ पे सुपर अटैक हुआ एंड देन ये आ गया, या इधर से आ जाए ये वाली, ये ज्यादा अच्छा है। ये देखें दिस इज जस्ट फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आपका और क्या हो रहा है, यहाँ बांड ब्रेकिंग हो रही है, जब बांड ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी बढ़ गई। ओके तो भाई बोल रहा है क्योंकि नहीं ये जी सर, बंदा बोलता रहे तो आगे पता चले कि भाई स्टोरी सुना रहे वाला खुद ही को नहीं सुनी जा रहा। ओके सर, तो ले लो सर एनर्जी इंक्रीज होने का बता दे भाई। एनर्जी जब ये देखें ये है आपका सब्सट्रेट, ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो अभी ऐड नहीं किया, ये तो वैसे लिखा गया है। जैसे ही ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करता है, यानी कि बांड ब्रेक होता है लिविंग ग्रुप और अल्काइल चेन के दरमियान में, तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब ये टूट जाता है कार्बोक्रोडाइन बन जाता है, आर पॉजिटिव बन जाता है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। फिर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बांड फॉर्मेशन करता है तो इसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब बांड फॉर्मेशन कर रहा होता है, जब कर एनर्जी नीचे गिरती है और वो बिल्कुल स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है जो आर न्यूक्लियोफाइल। जी सर, अब दोबारा मैं बता देता हूँ कि यहाँ भी आप इस न्यूक्लियोफाइल को ना आप जरा दिखे रहने दें, इसको न्यूक्लियोफाइल को आप सब पहले बंद कर देंगे, ये है आपके पास। यहाँ भी आपने ठीक है, हेलो, ये जो है जी सर, ये अल्काइल और लिविंग ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन अल्काइल एंड लिविंग ग्रुप। आफ्टर लिविंग ग्रुप कार्बोक्रोटाइन इज सम स्टेबल, ठीक है जी सर, स्टेबिलिटी सम स्टेबिलिटी। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग या मेकिंग ए बॉन्ड विद अल्काइल चेन, जब भी न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी फिर हाई हो जाती है। फिर जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हैज बीन डन एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा था, ट्रांजिशन स्टेट इसकी, ठीक है, और ठीक हो गया जी। यस सर, थी अब आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन दोबारा फिर कर लेते हैं। ये रिएक्टेंट है, इस वक्त ये कार्बन sp3 है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, आफ्टर लीविंग द लिविंग ग्रुप दिस इज अ स्लो स्टेप, दिस कार्बोक्रोटाइन हैज sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या होगा, ट्राइगोनल बनेगा और ये लीनियर ज्योमेट्री रखेगा। इट हैज दिस कार्बोक्रोटाइन हैज ए लीनियर ज्योमेट्री एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट व्हिच हैज ए sp3 हाइब्रिडाइज एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी जनाब, ये लीनियर ज्योमेट्री है इसकी, इसका मतलब ये हुआ कि OH इधर से भी अटैक कर सकता है, OH दूसरी तरफ से भी अटैक करेगा, जब दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी अटैक की 50-50%, then two product we can obtain. First is क्या होगा जी, एक स्टीरियो केमिस्ट्री और होगी, दूसरे की और होगी, एक स्टीरियो केमिस्ट्री वही होगी जो आपके स्टार्टिंग मटेरियल की। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल वाला कौन सा लग रहा है, ये वाला, ये देखिए इस तरफ है सारे, इस तरफ है सारे, इसकी ओरिएंटेशन इसकी ओरिएंटेशन भी तीनों मिथाइल की एक जैसी है, इधर मिथाइल की ओरिएंटेशन बदल गई है, इसका मतलब यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री और है यहाँ और है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आर है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी आर है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आर है तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री एस, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है रासायनिक मिक्सचर बना है 50% एंड 50%, तो ये इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री आर कौन, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एस है इसकी आर है तो इसकी एस ही रहेगी, ठीक हो गया जी।
ये है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से, ठीक हो गया जी। ये है कि उन्होंने एक रिएक्शन दिया है जी कि हाइड्रोक्सी ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बाय द बेस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जी दिस वन, वो एक एग्जांपल उन्होंने शो कर दिया है। लेकिन इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री का आपने याद रखनी है कि वहाँ कम्प्लीटली एस एन टू के अंदर इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर एस एन वन, इसमें रिटेंशन एंड ऑलवेज एज वेल एज ए इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन बहुत होती है। मोस्टली रफ में मिक्सचर डेवलप हो जाता है, लेकिन सम टाइम रफ में मिक्सचर नहीं बनता, एक स्टीरियो आइसोमर ज़्यादा बन जाए, एक स्टीरियो आइसोमर कम बन जाता है। लें जी ये देख लें आगे, ये देखते हैं आप इसके लिए नहीं ज्योमेट्री कैसे शो हो, ये देखेंगे जरा अभी तेरे के ये ग्रीन कलर के हैं, इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्ट एज ए न्यूक्लियर फाइल, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और ये वाला इधर से भी अटैक, दिस इज द फर्स्ट है और ठीक है, दिस इज द फर्स्ट है जिसमें ब्रोमीन निकल गया और ये कार्बोकैटायन बन गया। आफ्टर कार्बोकैटायन एथानोल एक्ट एज ए न्यूक्लियर फाइल फ्रॉम द टॉप साइड फ्रॉम द बॉटम साइड, जब ये टॉप साइड पे करेगा तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ये हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? उसी तरह हो जाएगी जो स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी है, रिएक्टेंट की है। जब बैक साइड से अटैक होगा तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री उल्ट हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है? तो देख लें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री एस है तो बैक साइड अटैक से इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आर हो गई, फ्रंट साइड अटैक से इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वही रही है एस जो आपके रिएक्शन की है। इसी से इसको बोलेंगे, इस सारे प्रोसेस को बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और ये होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब एस एन वन में दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, एस एन वन में दोनों चीज़ें ही पॉसिबल, ठीक है भाई? इस वक्त तक जो भी है डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन पूछना पूछे वरना फिर आगे चलो। सर पीछे आपने अभी एक बताया है कि हमें लिविंग ग्रुप जब लीव करता है पहले कार्बोकैटायन बनते हुए तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो वो एनर्जी जो है सर वो डायरेक्टली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन, वो अभी सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बेटा पढ़ेंगे, आगे आना है हम कैसे ले रहे होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, वो सारे चीज़ें डिस्कस करके एंड के ऊपर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या होगा। हम मोस्टली ना ये चले बता देता हूँ, हम ना इसके अंदर ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं कि जो ना कार्बोकैटायन जनरेट करने में हेल्प करता है, ओके? कोई भी रिएक्शन विदाउट सॉल्वेंट तो नहीं होगा ना, ज्यादातर तो रिएक्शन सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्व होते हैं जो विदाउट सॉल्वेंट भी हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ज्यादातर जो होते हैं केमिकल रिएक्शन उनको सॉल्वेंट की जो है ना वो जरूरत होती है, तो बाहर सॉल्वेंट जो होते हैं वो हेल्प आउट हो जाते हैं, हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना, कार्बोकैटायन जनरेट करने में, वो आगे जाके इंशाल्लाह। ओके सर ठीक, सब स्टेट स्ट्रक्चर वो कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ सबसे स्ट्रक्चर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा तो जेब ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी तब से एंड के ऊपर मिथाइल कार्बोकैटायन नो मिथाइल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है कोई तो ये अनस्टेबल हो। अब इसके लिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एस एन वन रिएक्शन ऑलवेज गिव ए, या ये कह सकते हैं कि एस एन वन रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा जी, इन्वॉल्व है क्या इसको बोलेंगे, ठहरें, जो आपका एस एन वन रिएक्शन है ये मोस्टली टर्शी अल्काइल हैलाइड्स अंदर जो है ना वो हो सकता है, टर्शी अल्काइल हैलाइड जो है ना इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, टर्शी अल्काइल हैलाइड नहीं होंगे एटलीस्ट टर्शी चेन पीछे होगी, आगे कोई भी ग्रुप लगा दें, हैलाइड की जगह आप टॉसाइल लगा दें, कोई लिविंग ग्रुप लगा दें, लेकिन पिछली चेन का टर्शी होना जरूरी है आफ्टर द लिविंग ग्रुप। अगर टर्शी होगा तो एस एन वन रिएक्शन फास्ट होगा, सेकेंडरी होगा तो एस एन वन रिएक्शन होगा जरूर लेकिन ज्यादा फास्ट नहीं होगा, प्राइमरी में एस एन वन रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जब मिथाइल कैटायन बन जाएगा तो बिल्कुल भी उसके चांसेस नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ टर्शियरी चेन जो है आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, यानी कि जो चेन है आपकी कार्बन की ये वाली जो चेन है, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह कोई ग्रुप लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, ओएच लगा दें, इसकी जगह टॉसाइल ग्रुप लगा दें, और भी बहुत सारे सल्फोनेट ग्रुप आ जाते हैं वो लगा दें, कोई भी लिविंग ग्रुप लगा दें, लेकिन ये आपकी चेन क्या होनी चाहिए, दिस चेन इज कार्बोकैटायन दिस वन, ये होनी चाहिए, तो इसमें एस एन वन रिएक्शन ज़्यादा होगा, इसमें एस एन वन रिएक्शन कम होगा, इसमें बिल्कुल नहीं होने के चांस, इसमें तो है ही कोई नहीं है, नेवर, इधर भी समझ लें नेवर है, यहाँ कुछ हो जाएगा और यहाँ
फास्ट होगा, ये SN1 रिएक्शन बड़ी स्पीड से देगा जिसके अंदर आपकी सबस्ट्रेट के अंदर कार्बोकैटायन जनरेट होगा और वो कार्बोकैटायन क्या होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है जी, लें जी SN1 रिएक्शन सबस्ट्रेट लें जी। अब ये देखिएगा जरा, वो कहता है जी नो रिएक्शन SN1 रिएक्शन सबस्ट्रेट, वो कहता है जी कि अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड नो, मिथाइल ब्रोमाइड 1%, अगर टू मिथाइल, ठीक है जी, अगले में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड सिर्फ इतना, और अगर टर्शी सॉरी क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे भाई, और तालक साहब इसको क्या नाम बोलेंगे यार, न्यू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ जी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नहीं आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा यार, आइसो थर्ड वाला, अच्छा मैं फोर्थ वाला बता दी सॉरी, ये तो आइसो प्रोपाइल बन जाएगा। हाँ अच्छा जी, अब इसके अंदर टर्शियरी बनेगा कार्बोकैटायन, देन ये क्या होगा जनाब, हाँ जी हेलो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम इसके अंदर फर्स्ट कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ब्रोमीन बॉन्ड फॉर्म, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, लेट मी पिक्चर भी हो सकता है, कस्टमर ज्यादा भी हो सकता है, कस्टमर कम भी हो सकता है। ओके आज के लिए इतना काफी है, प्रॉब्लम है तो बता दें। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी टाइम है, लो नहीं क्वेश्चन करना चाहे तो पूछ सकता है। सर ये एक आपने स्लाइड शो करवाई थी जिसमें लास्ट पे दो पॉइंट्स लिखे हुए थे आपने, हाँ जी आपने एक स्लाइड शो की थी, वो प्लीज जरा पीछे जाइएगा उस स्लाइड में जो सेकंड पॉइंट है वो बताइएगा प्लीज। हाँ जी इसे पिछली स्लाइड, इसे पीछे ये वाली, इसे पीछे दो पॉइंट्स लिखे हुए थे वहां पे ये वाली। हाँ जी वो कहता है जी सुन ले जी, हैलाइड अंडरगो द स्लो आयनाइजेशन टू यील्ड द आयन पेयर पॉजिटिव एंड क्लोराइड। वो कहता है जो हैलाइड्स अंडरगो स्लो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का बन जाना, आयनाइज हो जाना, और ठीक है आयंस में कन्वर्ट हो जाना, आयन बन गया ना। वो कहता है जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये हैलोजन कोशिश करता है कि ये जल्दी आयनाइज ना हो। ओके ये हैलोजन जो होते हैं ये कोशिश ये करते हैं कि कार्बन, जो कार्बन के साथ अटैच है ना, तो अपनी अटैचमेंट खत्म ना करें, बॉन्ड बनाई रखें, और ठीक है ठीक है बॉन्ड के साथ क्या कर रहे हैं जी, बनाई रखें सर। इसी को उन्होंने कहा है हैलाइड्स अंडरगो स्लो आयनाइजेशन टू यील्ड द आयन पेयर पॉजिटिव एंड क्लोराइड। इसी वजह से जो हैलाइड्स होते हैं वो स्लो आयनाइजेशन रखते हैं टू यील्ड ऑफ द आयन पेयर पॉजिटिव एंड क्लोराइड, यानी कि पॉजिटिव और यील्ड के अंदर उसमें कम हो जाते हैं। ठीक है जी, फॉलो बाय द फर्स्ट अटैक बाय OH एंड सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, फॉलो बाय द फर्स्ट अटैक बाय OH एंड सॉल्वेंट आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है आगे सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट अटैक बाय OH सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल कि ये निकल ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक ऐसा सॉल्वेंट डाल देते हैं जो सॉल्वेंट क्या करता है, इसको हेल्प आउट करता है कि आयोनाइज हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर ये आयोनाइज हो जाएगा। फॉलो बाय द फर्स्ट अटैक बाय, फर्स्ट अटैक बाय से क्या मराद है, आप OH को छोड़ दो, न्यूक्लियोफाइल को छोड़ दो, सॉल्वेंट की बात कर कि आप इसको आयोनाइज अंडरगो स्लो आयोनाइजेशन हो रही है, आप बल्कि हो ही नहीं रहे, आप इसके अंदर सॉल्वेंट डालते हैं तो वो जो नहीं हो रही है स्लो हो रही है उसको क्या करेगा, तेज करके आयनाइज फास्ट कर देंगे। हाँ जी फास्ट कर, आज एनर्जी डिस्टर्बेंस टू अफेक्ट द इनिशियल आयनाइजेशन लार्जली रिकवर फ्रॉम द एनर्जी इन्वॉल्व थ्रू सॉल्वेशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड आयन पेयर। देख वही बात की है, वो कहता है जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है ना आयनाइजेशन, इनिशियल आयनाइजेशन जी सर, कहां से मिलेगी, लार्जली रिकवर फ्रॉम एनर्जी इन्वॉल्व सॉल्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट
आइन पे, वो किससे होगी भाई जी, जरा बता सकते हैं जरा चेतन साहब, जरा सर इसमें क्योंकि आयंस बने हैं ना कीटाइन और एनायन, तो फिर सॉल्वेशन के थ्रू ने स्टेबल किया जाएगा शायद इस वजह स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो एनर्जी उनको वहां से रिक्वायर्ड मिल गई, यानी कि अंदर इसके अंदर जी सर इसका ये है एक इसको कहते हैं कि इसकी समरी ये है कि जैसे ही हम टशी अल्काइल हैलाइड डालते हैं तो इसके अंदर हम कुछ सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्वेंट क्या काम करता है, हेल्प आउट करता है आयनाइज करने के लिए, जो फर्स्ट आयनाइजेशन नहीं हो रही होती उसको आयनाइज करने के लिए काम करता है, ठीक है, सॉल्वेशन के साथ वो एनर्जी को भी, जब सॉल्वेशन होती है तो क्या होता है जी, एनर्जी इवॉल्व होती है जो उसको नेसेसिटी इफेक्ट करती है इनिशियल आयनाइजेशन के लिए, ठीक है जी, वो आयनाइजेशन जी सर कर दे सर, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग मटेरियल की निस्बत जो सॉल्वेशन के बाद जो आयन पेयर बनना है उसकी जो सॉल्वेशन है वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ जी, ये सॉल्वेंट जो होता है अगर हम इसको ना डालें, अगर वो सॉल्वेंट जो है सॉल्वेशन के बाद एनायन को स्टेबल ना रखे तो क्या होगा, जी सर वो आपस में मिलेंगे और रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है जी सर, अगर सॉल्वेंट इसको सॉल्वेशन के हिसाब से एनायन को स्टेबल रखता है इसको मिलेंगे बिफोर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो ये बेटर सॉल्वेंट होगा, अगर ऐसा सॉल्वेंट डाल दें तो आफ्टर द आयनाइजेशन आयनाइज को स्टेबल नहीं रखता बिफोर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा, दोनों आयन आपस में मिलेंगे रिवर्सिबल एक्शन विद रिवर्सिबल एक्शन होगा तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में तो नहीं जाएगा जी सर, एक तो उसको आयनाइज करता है जब सॉल्वेंट डालते हैं, दो काम करता है सॉल्वेंट, एक तो आयनाइज कर देता है, ठीक है, दूसरा सॉल्वेशन करके आयंस को किसी हद तक स्टेबल करता है, स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है, इसी असला में हम उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ उसको जहाँ हिट करना था वो कार्बोकैटायन के ऊपर जाके हिट कर देगा दोनों तरफ, ठीक है जी सर, सॉल्वेशन का इफेक्ट इसके अंदर बड़ा जरूरी है।